हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में बताऊंगा बैकहॉल रिले के बारे में। कोई इसको बैकहो भी बोलता है, कोई इसको बैकहॉल भी बोलता है, तो हम आज बात करेंगे बैकहॉल रिले के बारे में। ये बैकहॉल रिले जो है ट्रांसफार्मर में लगा रहता है मेन टैंक एंड कंजर्वेटर टैंक के बीच में। ये कैसा काम करता है, कैसे ट्रिप करता है, ये सारे जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगा। बट इस चैनल में जो नए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। बैकहॉल रिले को ऑयल गैस एक्चुएटर रिले कहा जाता है, जो ऑयल में जो फॉल्ट आता है उसको सेंस करता है। बैकहॉल रिले माउंटेड रहता है मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में। बैकहॉल रिले के अंदर दो फ्लोट होता है, जिसको हम लोग एक अपर फ्लोट और एक लोअर फ्लोट बोलते हैं। किसी भी तरह का फॉल्ट जनरेट होता है तो उस फॉल्ट के वजह से ऑयल में हीट प्रोड्यूस होता है और हीट के वजह से एयर बबल्स भी प्रोड्यूस करते हैं, जो बैकहॉल रिले में वो बबल्स। जब कभी भी माइनर फॉल्ट होता है उस टाइम में स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लोटिंग होता है गैस का, उस टाइम में अपर फ्लोट स्विच एक्टिव होता है और डिजिटल प्रोटेक्शन सिस्टम को एक अलार्म देता है। कभी लार्ज अमाउंट में फॉल्ट होता है उस टाइम में फिस्ट गैस प्रोड्यूस करता है, वो फिस्ट गैस लोअर फ्लोटिंग स्विच को एक्टिव करता है और वो लोअर स्विच डिजिटल प्रोटेक्शन सिस्टम को एक ट्रिप सिग्नल देता है।